गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द टेस्ट टेल पे। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा जो कि हम बेक नहीं करेंगे और इसको पैन में बनाएंगे जिसमें डो का भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये कुछ अलग टाइप की रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर घर पे ट्राई करके देखिए। बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3/4 कप गरम पानी। पानी का टेम्परेचर आप मीडियम में रखिए, ना ज़्यादा गरम हो ना ज़्यादा ठंडा हो। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ईस्ट। गरम पानी में ईस्ट थोड़ा जल्दी एक्टिवेट होता है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से थोड़ा सा मिक्स जब हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी से ईस्ट और जल्दी एक्टिवेट होता है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। हमारा आज का पिज़्ज़ा जो है वो डो लेस है, हम इसीलिए जो मैदा है पैन में ही तैयार करेंगे उसका पेस्ट। पैन में मैंने डाला है 1 कप मैदा, उसमें मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स जब ये हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे ईस्ट वाला मिक्सचर जो मैंने पहले तैयार किया था। इसको हम धीरे धीरे डालेंगे, धीरे धीरे डाल के हम इसको लगातार मिक्स करेंगे। एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी जब तक ना हो तब तक हम इसको फेंटते रहेंगे, जो लम्ब्स है वो गायब हो जाएंगे। मैं इसमें दोबारा जो पेस्ट बचा है वो डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं सारे लम्ब्स भी गायब हो गए हैं, एक फाइन कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सिलिकॉन स्पैचुला लेंगे, उससे हम साइड से जो लगा पेस्ट है उसको हटाएंगे इस तरह से, ताकि पैन के बीच में गोल राउंड सा शेप तैयार हो जाए। सिलिकॉन स्पैचुला से जल्दी से आसानी से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इतना मुश्किल भी नहीं है। एक गोल बेस तैयार हो गया है, इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप मार्केट से भी ला सकते हैं, या फिर मैंने पहली वाली वीडियो में पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाया था, तो आप उस वीडियो में देखकर घर पे पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। मैं उस वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब हम ऊपर से टॉपिंग करेंगे बेल पेपर्स की। आप कोई भी बेल पेपर ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेड ग्रीन और येलो बेल पेपर लिया है। आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। अब हम ऊपर से डालेंगे स्वीट कॉर्न। ये मैंने सेमी बॉईल कर लिया था। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे चिकन के जो सॉसेज है उसको पीसेस करेंगे और ऊपर से उसकी टॉपिंग करेंगे। अब ऊपर से टॉपिंग होगी श्रेडेड चिकन, जिसको मैंने बॉईल किया था, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लिया था।
ऊपर से हम डालेंगे चीज़। चीज़ मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ और मोजरेला चीज़ डाला है। चारों तरफ हम अच्छी तरह चीज़ डालेंगे, आप जितना मर्ज़ी चीज़ डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब हम डालेंगे ऑलिव्स। यहाँ पे मैं ब्लैक ऑलिव्स डाल रही हूँ, ऊपर से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अब हम इसको 20 मिनट तक ढक्कन से ढककर मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं चीज़ भी पूरी तरह पिघल चुका है। इसको हम एक पैन में या फिर प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका बेस भी बहुत अच्छा बना है। ऊपर से ओरिगैनो थोड़ा सा आप स्प्रिंकल करके इसको सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।